पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुध बाजार के सुंदरीकरण के काम में बाधा बन रही कुछ दुकानदारों के ध्वस्तीकरण को निगम अफसर में टीम और जेसीबी के साथ पहुंचे और चिन्हित दुकानदारों से बातचीत की। टीम ने इन दुकानदारों को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 2 घंटे में अतिक्रमण स्वयं हटवा लेने को कहा। अपर नगर आयुक्त ने कहा कि अगर दिए गए समय में दुकानदार स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो मजबूरन निगम अपनी जेसीबी से अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई करेगा। देखिए, इस बात से भी योजना भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत बुद्ध बाजार की रेट्रोफिटिंग सौंदर्यीकरण सड़कों का निर्माण आज का कार्य विगत वर्ष से ही प्रगतिशील है। उसमें कुछ अवरोध थे, कुछ लीगल हर्डल्स थे, उसको दूर कर लिया गया है। आज पुनः हम लोगों ने जो किसी विधिक प्रक्रिया के कारण लंबित था कार्य 11 दिन का, उसको पूर्ण करते हुए पुनः कार्रवाई प्रारंभ की। अभी हमने 1 घंटे का समय इन दुकानदारों को दिया है जिससे किसी प्रकार की हानि इनको ना हो कि अपने अस्तरों को स्वयं हटा लें। अन्यथा की स्थिति में व्यवस्था बताया गया है। हमारी टीम पूरी तरह से स्थल पर है। यदि 1 घंटे के अंदर ये नहीं हटाते हैं तो अपनी जैसी अवैध अति हो जो विकास कार्य में बाधित बना हुआ है उसको हटाने का। ये कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक चली है? अब देख पा रहे हैं कि ये प्रेम चुनरिया हिंदू कॉलेज की जो कुछ दुकानें बनी हैं जो प्रथम दृष्टिया देखने से ही सड़क पर बाहर नजर आती हैं उनको हटाने की कार्रवाई है। इसके कारण हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बाधित है कई दिनों से, कई महीनों से, उसको पूर्ण करना हमारा कर्तव्य। अभी तक उन पर एसटी आ रहा था, उस पर क्या कुछ है? लीगल एक विधिक प्रक्रिया थी, उसको हमने भी कोर्ट में कंटेस्ट किया है, अपने पक्ष रखा है। कोर्ट ने उसको विचार करके मान्य जाकर विचार करके हमारे पक्ष में फैसला दिया है। हम उसको लागू करेंगे और जो भी विधिक अड़चन होगी उसको विधिक प्रक्रिया के रूप में दूर। कब आया है ये आपके पक्ष? कल शाम को कोर्ट ने स्थगन आदेश को विड्रॉ किया, खारिज किया है, अच्छा निर्देश किया है। उसी क्रम में आज हम लोग आए हैं मौके और जिसमें स्थगन की स्थिति को समाप्त किया गया है उसमें पोर्शन को हटाने की कार्रवाई करें। ये इसके लिए तो खारिज करने के लिए तो हमने नगर निगम ने कोर्ट में गए, नगर निगम ने ही जो कंटेस्ट किया अपनी पैरवी की, प्रभावी पैरवी की, अच्छा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से और जो विधि प्रक्रिया थी उसको पूर्ण कराया। इनके पास अब कोई ऐसा लीगल वो नहीं अभी है। इसमें 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी के पास अभी स्टेटस की स्थिति है जैसा कि वो बता रहे हैं, लेकिन एक स्थिति में स्टे वैकेट हुआ है तो हम इसी भी आज कार्रवाई करने के लिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।